देखो नारद बातू नहीं आए। बात में दम है, खाओ खाओ और खाओ। खाऊंगा मैं सब, खा जाऊंगा और खाऊंगा। मुख्य अतिथि के लिए और फल लाया जाए। वैसे तुम हो बहुत चतुर। अच्छा। और आप भी बहुत चालाक है, बड़ी आंखों वाले। मुझे भी अभी पता चला। वैसे तुम्हें देवताओं के बारे में कुछ ज्ञात है? मुझे कैसे पता होगा, मैं तो दानव हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम्हें कैसे पता होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, तीन मुख्य देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी जो हैं वो कमल पुष्प पर बैठकर ये बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ाकर लोगों को सिर्फ श्राप देता हूँ। मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। और विष्णु भगवान ये तो बस उंगली में चक्र धारण करके इस चक्कर में लगे रहते हैं कि किसका गर्दन जो है काट दूं। और महेश जी तो बस जिसको देखो भस्म कर। के बाद भी लोग इनकी बात क्यों मानते हैं देवताओं, पता है आप क्यों? क्यों? इसलिए कि उनके पास दूसरा कोई चारा ही नहीं है। आगे कुआं पीछे खाई, करे तो करे बेचारा क्या करे। मैं तो कहता हूँ उनका कोई अस्तित्व भी नहीं है। नहीं है, ये देवता तभी तक हैं जब तक असुर शांत है, और जिस दिन ये दानव अशांत हो गए तो उनका अस्तित्व ही समझो मिट गया। बात में दम है। वैसे देवऋषि आप किसके साथ? मेरा तो जब से जन्म हुआ है दानवराज, मैं आप ही के साथ हूँ। और ये देवश्री क्या होता है? मैं देवश्री नहीं, दानवश्री हूँ, और मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। हम प्रसन्न हुए, हम अति प्रसन्न हुए। पर आप इतना प्रसन्न क्यों हो रहे? ज्यादा प्रसन्न हो गए तो न जाने मेरा क्या होगा। देवऋषि हम और प्रसन्न होना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आप मेरी पुत्री से विवाह कर ले। क्यों नहीं, प्रसन्नता पर्व का आरंभ किया जाए, विवाह की तैयारियां की जाए। सच मुझ। देवर्षि नारद को ये क्या हुआ? मेरे प्रभु नारद दानव हो गई। क्या हुआ गरुड़राज? नारद से फिर कोई अनबन हो गई क्या? माते, माते। हाँ हाँ बोलो। नारद नहीं रहे। हे भगवान! क्या हुआ लक्ष्मी? ये सब कब हुआ? क्यों हुआ? कैसे हुआ? हमें नहीं पता, नारद नहीं रहे। हाँ नहीं नहीं, मेरा मतलब नारद प्रभु देवर्षि नहीं रहे, वो दानवराज क्यों हो गए? स्पष्ट कहो। स्पष्ट? ये क्या था? आप ही ने तो कहा प्रभु। स्पष्ट बोलो। मैंने कहा स्पष्ट प्रभु, स्पष्ट। प्रभु आपके भक्त भोले हैं या चतुर, हम कभी कभी समझ नहीं पाते। ये गरुड़राज भोले हैं और ये चिंगू बहुत चतुर हैं। कहाँ है नारद? भोलेनाथ मेरा मतलब जगन्नाथ प्रभु। नारद का विवाह दानवराज की पुत्री प्रिया से होने जा रहा है। हा? क्या नारद और विवाह? कहाँ है चिंगुनाथ? मुझे नहीं पता माते। माते कोई कार्य हो तो मुझे बताइए। तुम्हें बताओ, तुम्हें नदी से पानी का एक पात्र भर कर लाने को कहो। इतना झुमझुम कर लाते हो, इतना झुमझुम कर लाते हो कि यहाँ आते आते पात्र में पानी रहता ही नहीं। आपने पानी कब मंगवाया था? 102 साल पहले। बातें मत बनाओ और मुझे बताओ चिंगुनाथ कहाँ है? सिंह को सहतूंगा। माते नंदी डराते। आप लोग उत्तर नहीं दोगे तो मैं भोलेनाथ से कह दूंगी। नहीं माते, भोलेनाथ से मत कहना, वो मेरे सिर पर हाथ रखेंगे तो मैं भी
चिंगू की तरह टिंगू हो जाऊंगा। माते, चिंगू नाथ दानव श्री नारद के साथ हैं। नारद श्री दानव? हाँ। और नारद अब देवता नहीं रहे, वो दानव बन चुके। माते, चिंगू नाथ भी दानव लोक में है। दानव लोक में? वो दानव राज। अरे अरे क्या 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 क्या, बस बस बस, बहुत बहुत अच्छा सीख रहे हो। अब क्या लाना, कमाल के तलवार बाज बनोगे तुम। जाओ जाओ। कौन आवाज मार रहा है, कौन आवाज कर रहा है? हिम्मत है तो बाहर निकलो, मैं किसी से डरता नहीं हूं। उन्हें प्रभु, मैं चिंगू, प्रभु चिंगू। ले 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 ले। अरे किसी दानवी का पुत्र खो गया है क्या? लेके जाओ। प्रभु मैं दानव नहीं हूँ और आप भी दानव नहीं है। मैं दानव नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? देवता प्रभु, देवता। देवता, देवता, नहीं छोड़ूंगा देवताओं को, नहीं देवता। स्वामी आओ, आओ प्रिया आओ। क्या हुआ, किस पे चिल्ला रहे हैं? अरे ये आ गया। अरे छोड़िए, आप आइए यहाँ पर, हमारे साथ बैठिए, विश्राम करें हमारे साथ। आप ये मदिरा पान कीजिए, मैं आपके लिए फल लेकर आती हूँ। फल? हाँ, बस अभी गई और अभी आई। सुनिए, संभल कर जाइएगा। संभल कर? मैं कहीं गिर ना जाए। तो क्या? फर्श टूट सकता है। नटखट सर। मेरी मदिरा। ले 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 ले। अरे तुम फिर से आ गए, लगता है तुम्हारी माताजी तुम्हें नहीं मिली होगी। कोई बात नहीं, मैं खोज दूंगा पहले मेरी मदिरा। क्या है वो? देखिए। क्या देखूं? यहाँ देखने के लिए कुछ नहीं है। क्या तुम्हारी माता वहाँ छुपी है? माते, तुम्हारे बच्चे बिन बुलाए यहाँ चले आते, उन्हें रोका करो। चिंता मत करो बालक, मैं तुम्हारी माँ को अवश्य ढूंढ लूंगा, पहले मुझे मेरा मदिर। भाग गया, मेरी मदिरा भी भाग गई। आज हो क्या रहा है? गुप्तचर, क्या समाचार लाए हो? सारे देवलोक में बात फैल गई है कि नारद आपके जमाई बनने जा रहे हैं। बात में दम है गुप्तचर, बात में दम है। सारे देवलोक को आज ये ज्ञात हो जाएगा कि नारद और हमारी पुत्री का विवाह आज ही है। मेरे दानू, मेरी दानवी, आप कितने भयंकर दिखते हैं। तुम भी कितनी डरावनी लगती हो। आप भी ना। आपको हमारे दानव विवाह का नियम तो पता है ना? विवाह से पहले किसी भी एक शत्रु यानी देवता का वध। तुम्हें पाने के लिए मैं एक देवता तो क्या समस्त देवताओं का वध कर सकता हूँ। मेरे दानू,
दानवी। मन में जो बात है वो बोल दीजिए देवी लक्ष्मी। प्रभु आप यहाँ आंखें बंद करके बैठे हैं और वहाँ दानव राज खुशी से आंखें बड़ी बड़ी करके बेटी प्रिया और नारद के विवाह की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन ये तो अच्छी बात है ना। क्या हुआ चिंगू, तुम क्यों रो रहे हो? मेरे प्रभु नारद। तुम क्यों रो रहे हो? क्या नारद, मेरे परम मित्र नारद को बचा लीजिए प्रभु। दानवराज की पुत्री से विवाह होने से उन्हें रोक लीजिए प्रभु। नहीं तो क्या? नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। अच्छा क्या प्रभु? मेरा मतलब है हम कुछ सोचते हैं। माते चुप। प्रभु सोच रहे हैं। इसमें सोचना क्या देवी सरस्वती? नारद अपने पिता के आशीर्वाद के बिना विवाह कैसे कर सकते हैं? ये तो अपराध है। अरे उसने हमसे कहा ही नहीं और विवाह कर रहा है वो। अरे आप बैठ तो जाइए वरना पानी में। विवाह ही तो कर रहे हैं और आप ही तो नारद के पीछे पड़े रहते हैं। नारद सुपुत्र विवाह कर लो। विवाह कब करोगे नारद? तो अब किंतु लड़की दानव कुल की है। अब आपको दानव कुल दिख रहा है? महिषासुर की तपस्या के बाद सारे दानव कुल को तथास्तु तथास्तु कहकर कितने वरदान बांटे थे याद है? तब नहीं दिखा दानव कुल। भले ही दानव कुल की हो, कन्या से ही विवाह कर रहा है ना? हमारे आशीर्वाद के बगैर मैं उसे श्राप देता हूँ। हर बात में मैं उसे श्राप देता हूँ करते हैं। आप एक बार बैठ के नारद से बात तो कर लीजिए। ठीक है। अरे अब बैठ भी जाइए वरना पानी में। भगवान ब्रह्मा नारद से मिलना चाहते हैं। ब्रह्मदेव उनके पिता श्री। पुत्री तुम्हें प्रसन्न देखकर हमें बहुत प्रसन्नता होती है। देवर्षि आपने सुना साधु महाराज ने क्या कहा? हाँ हमने सुना। कि इन्होंने क्या कहा? जाकर कह दीजिए अपने ब्रह्मा से यदि उन्हें हमसे मिलना है तो वह स्वयं यहाँ आए। हम कहीं नहीं जाते। सुना आपने? अब जाइए और ब्रह्मदेव के साथ साथ अन्य देवता को भी आमंत्रण दे दीजिएगा कि देवर्षि के विवाह में आना ना भूले। जाइए। दानवराज देवश्री नहीं दानवश्री कहिए। हाँ दानवश्री दानवश्री। प्रिय आओ चले मेघदूत उपवन में क्रीड़ा करे। उसके पूर्व तुम्हें एक कार्य करना होगा। परंतु दानवराज आपके कहते अनुसार तो मैं प्रतिदिन आपकी सुपुत्री प्रिया के पैर दबाता हूँ। दूसरा कार्य तुम्हें विवाह करने के पूर्व उस छलियों विष्णु का वध करना होगा। वध के पश्चात हम सारे दानव देवलोक पर राज करेंगे। राज ठीक है दानव राज, मैं आज ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि विवाह के मंडप पर बैठने से पहले इसी तलवार से
मैं विष्णु का वध करूंगा। ओम रविये नमः, ओम पुष्णाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भानवे नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ओम सवित्रे नमः, ओम मित्राय नमः। प्रभु प्रभु रुको 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 प्रभु रुको, मेरे परम मित्र आप ये क्या कर रहे हैं प्रभु? बहुत ठंड लग रही थी ना, इसलिए सब लोग आंख ताप रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा। हम विवाह कर रहे हैं प्रभु, मैं आपको ये विवाह करने नहीं दूंगा। यदि आपने ये विवाह किया तो तुम भी विवाह कर लेना। सब विवाह कर लो। नहीं प्रभु, मैं विष पी लूंगा प्रभु। दानू शुरू किया जाए। ओम मित्राय नमः, ओम पुष्णाय नमः। नारद बातों नहीं आए। जजमान, विवाह से पूर्व दानव लोक की प्रथा के अनुसार शत्रु की बलि देने की परंपरा है, तो आप किसकी बलि देंगे? मैं इस विष्णु की बलि दूंगा। विष्णु, नारायण, नारायण, रुकिए महादेव, दोषी नारद नहीं दानवराज है। दानवराज, मेरे प्रभु, प्रभु मुझे क्या हो गया था प्रभु? मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा था। आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं कहाँ हूँ? ये अरे विवाह का मंडप, किसका विवाह हो रहा है? आपका। मेरा विवाह? नारायण 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 नारायण, नहीं 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 प्रभु, और वो भी यहाँ दानव लोक में। मैं दानव बन गया? कैसे? तुम्हें दानव घुट्टी पिलाकर दानव बना दिया गया था। बेटी, दानव राज के कहने से मैंने ये दानव गुट्टी तैयार की है, जिसे ये गुट्टी पिलाओगी वो दानव बन जाएगा।
प्रभु, मेरे पिताश्री को जीवन दान दे दीजिए। उन्होंने तो केवल बेटी के प्रेम में विवश होकर देवर्षि नारद को दानव घुट्टी पिलाने का विचार किया था। भोलेनाथ, पिता के मन का भाव कोई नहीं जान सकता। जगत का सर्वश्रेष्ठ दान है कन्यादान। हमें दानवराज को कन्यादान देने का अवसर देना ही चाहिए। हाँ प्रभु, इन्हें क्षमा कर दीजिए। अब क्षमा कर दो प्रभु। हाँ हाँ प्रभु, इन्हें क्षमा कर दीजिए। हाँ भोलेनाथ, इन्हें क्षमा दान दीजिए। जय हो महादेव। प्रभु मुझे क्षमा कर दो। प्रभु मैंने जानबूझकर देवर्षि नारद को दानव घुट्टी पिलवाई थी प्रतिशोध लेने के लिए। प्रभु मैं अपनी पुत्री की हर इच्छा अब तक पूरी करता आया हूं, पर हमारी पुत्री ने नारद मुनि को प्रेम प्रस्ताव रखा था किंतु इन्होंने अस्वीकार कर दिया, इसलिए मुझे यह कार्य करना पड़ा। मुझे क्षमा कर दे। हमें हमारी भूल का दंड मिल गया, क्षमा कर दे प्रभु। परंतु जो भी हुआ सो प्रभु, मेरा दोस्त मेरा जिंगू मुझे छोड़ के चला गया। मेरा जिंगू परंतु प्रभु कैसे चिंगू तो। अरे शिवगण की भी कभी मृत्यु होती है क्या? हाँ चलिए घर चलते हैं देवलोक। चलिए चलिए देवर्षि नारद दोबारा अवश्य मिलिएगा। देखो नारद बातुनी आए।